अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है। तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह अधिकतर जो होती है वह पत्तियों में ही होती है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नामक जो लवक होता है जिसको हम पिगमेंट्स कहते हैं वह वहां पे उसकी उपस्थिति पाई जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान, अब देखिए यहाँ पे एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का यहाँ पे एक डायग्राम है, और इस पत्ती के हमने नाइन्थ क्लास में भी इसकी चर्चा की थी कि पत्ती का यदि हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या संरचना दिखाई देगी। आपको कुछ यहाँ पे स्टोमेटा की द्वार कोशिकाएं यहाँ पे बाहर एपिडर्मिस में दिखाई देंगी जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। यहाँ ऊपरी बाह्य त्वचा और यहाँ पे निचली बाह्य त्वचा के बीच में आपको यहाँ पे एक हरित लवक या जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं यहाँ पे पाया जाएगा, तथा यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे आपको वायु कोष, क्योंकि इस प्रकाश जो वायु द्वार होता है इसके द्वारा या द्वार कोशिका या इसको रक्षी कोशिका कहते हैं इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जो यह आती है जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है यहाँ के पत्ती के इस भाग में आती है, वहां पे यह हरित लवक उपस्थित होता है। जो पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह प्रमुख रूप से हरित लवक पे ही होती है। शुरू से लेके अंत तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है यह क्लोरोफिल या इसको हम बोलते हैं हरित लवक पे की जाती है या होती है। अब यहाँ पे ऊपर बाह्य त्वचा पे यहाँ पे आपको क्यूटिकल्स दिखाई देंगे, तथा इन पदार्थों को संवहन के लिए आपको झाइलम तथा फ्लोएम की भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पे पौधों में कौन पहुंचाता है, हमने नाइन्थ क्लास में डिटेल में इसकी बात की थी कि यहाँ पे फ्लोएम जो है इन कार्बनिक पदार्थों का यह संवहन करता है। तो यहाँ पे पत्ती के ऊपर आपको मध्य सिराए दिखाई दे रही है, ये पर्णपटल तथा ये सिराए आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने स्टोमेटा को एक अलग से डायग्राम बता दिया कि जो एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो यह जो वायु का जो आदान प्रदान होता है ये इसके स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है ये स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने की क्रिया के द्वारा होती है। इस स्टोमेटा या इस रंध्रों के द्वारा जो वायु का आदान प्रदान होता है यह विसरण विधि के द्वारा हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना यह इस जो गार्डर कोशिका या जिसको हम रक्षी कोशिका कहते हैं इसके स्पीति या उस पर निर्भर करता है। जब कोशिका या यह स्पति जब कोशिका पानी लेके जब फूल जाती है तो उस समय यह रंध्र जो है यह खुल जाते हैं, जब यह वायु बाहर निकल जाती है तो यह सिकुड़ जाती है। इस प्रकार ये स्टोमेटा बंद तथा स्टोमेटा खुल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यह प्रमुख तीन पदों से होकर गुजरती है। पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, सबसे पहले क्या हो रहा है जो सूर्य की जो विकिरणें है जिसको कि हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं इसको क्या करती है यह अवशोषित होती है। अवशोषण के बाद में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है, अर्थात C6H12O6 मतलब कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है जो कि प्रकाश ऊर्जा जो है यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, तथा रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यहाँ पे क्या हो रहा है जल अणु जो प्रकाश संश्लेषण में जल का अणु जिसको H2O कहते हैं उसका जो उपयोग है यहाँ पे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाती है वह अपघटित हो जाती है, अपघटन हो जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं वह इस कार्बनिक पदार्थ जिसको कि हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसमें उसका अपचयन हो जाता है। अपचयन तथा अपघटन की क्रिया या रासायनिक क्रिया में यूज करते हैं बार बार, इसमें हमने रसायन के अंदर भी इसका उपयोग हमने करते देखा है। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन घटकों की हमें जरूरत पड़ेगी,
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो घटक है यह चार घटकों की प्रमुख हमें आवश्यकता पड़ती है। हमने पहले बात कर चुके हैं कौन से, एक तो सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है। फिर हमें काय की जरूरत पड़ती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। फिर काय की जरूरत पड़ती है, हमें पानी की जरूरत पड़ती है। और फिर हमें जरूरत पड़ती है हरित लवक, या इसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, हरित लवक। अब हम कह सकते हैं कि बिना हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। जहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा वहां पे हरित लवक पाया जाए। हम कहते हैं कि हरे पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे का हरा होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसमें क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना या हरित लवक इसमें पाया जाता है। क्योंकि कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि चितकबरे प्रकार के होते हैं या भूरे रंग के होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का होना ज्यादा जरूरी है उसके हरे होने के से अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि हरे या भूरे पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम पत्ती जो होती है, इस पत्ती को प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख अंग कहते हैं। पत्ती को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंग, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का अंग कहते हैं। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगक। तो क्वेश्चन अगर आया कि प्रकाश संश्लेषण का अंगक कौन है, तो हम क्या बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है वहां वो उसका अंगक होता है। जबकि पत्ती जो होती है वह प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख अंग होता है क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोफिल यहाँ पे पाया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रमुख घटक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O तथा हरित लवक होते हैं। और यह जो प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख पद है, यह कि सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में इस प्रक्रिया के द्वारा हम संचित करते हैं, और यह संचित ऊर्जा ही हम जीवों के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। यह आवश्यक नहीं कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है एक के बाद एक प्रमुख पदों में हो। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे हम जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो या कार्बन डाइऑक्साइड का ये ग्रहण करते हैं, यह पौधे रात्रि के समय ग्रहण करते हैं क्योंकि इनमें पानी का, इनको बचत करनी होती है पानी का, अधिक वाष्पोत्सर्जन ना हो। तो रात के समय जब वातावरण ठंडा होता है तो उस समय क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके रख लेती है और उसके बाद यह मध्य उत्पाद बनाती है। रात्रि में क्या करती है, मध्य उत्पाद बनाती है। और जब दिन के समय सूर्य प्रकाश उपस्थित होता है तो वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फिर यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ जिसको कि हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसका निर्माण करती है। तो इस प्रकार यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें कुछ क्रियाकलाप देखेंगे कि किस प्रकार से पत्तियों में प्रकाश जो क्लोरोफिल होता है वह उसकी उपस्थिति का पता हम किस प्रकार से लगाएंगे।